जो रिजर्वेशन एससी लोग को दिया जाता है हमको भी चाहिए। आप फंडामेंटल राइट को निकाल दीजिए प्रियम्बुल से, वही और सेइंग ए सेक्युलर कंट्री। अगर हिंदू समाज में एक दलित है वो क्रिश्चियन अडॉप्ट रेंज कन्वर्ट कर लिया तो उसका एससी स्टेटस निकाल दिया जाएगा और वो कहलाएगा बीसीसी। अगर आज़ाद भारत में ये दलित आज़ादी से उसका मजहब चेंज करना चाहता है तो दिक्कत क्यों आ रहा है? सबका साथ सबका विकास ये सभी से पूछिए, मगर दलितों को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, नहीं मिलने वाला भी नहीं। वी वॉन्ट एससी स्टेटस, शेड्यूल कास्ट स्टेटस। देयर इज आरएसएस बिहाइंड प्राइम मिनिस्टर व्हिच इज गिविंग द आइडियोलॉजी। शिखा सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। मेरे पीछे एक पोस्टर देख लीजिए आप, यहाँ पे लिखा है नेशनल प्रोटेस्ट ऑफ दलित क्रिश्चियंस एंड दलित मुस्लिम। तो इससे साफ हो रहा है कि क्रिश्चियन में भी जाति है और मुस्लिम में भी जाति है, और ये लोग जो है शायद रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। और हमारे साथ जो है एक फादर है, इनसे हम बात करेंगे आखिर इन लोगों को क्या चाहिए। जहाँ तक मुझे मालूम था, मुझे अब तक ये मालूम था कि क्रिश्चियन में जाति नहीं होती, मुस्लिम में भी कई सारे लोग हैं जो बोलते हैं मुस्लिमों में जाति नहीं होती, उसमें बहुत सारे बहस भी पहले हो चुकी है। लेकिन हमारे साथ में फादर हैं, हम इनसे बात करेंगे कि सबसे पहले तो ये बताइए आप लोगों में भी जाति होती है? There is caste discrimination। हिंदी में यहाँ पे भी जात का प्रभेद है, क्रिश्चियन में भी जात का प्रभेद है, मुस्लिम में भी जात का प्रभेद है, जनरल ओबीसी एससी एसटी आप लोग में भी है ना। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि यहाँ पे वो लोग आए जो लोग हिंदू से कन्वर्ट हो गए थे कभी, इन्होंने इन सर ने बोला कि यहाँ पे वो लोग आए हुए हैं जो हिंदू से कभी कन्वर्ट हो गए थे मुस्लिम में, कभी क्रिश्चियन में, ऐसा हुआ है कन्वर्ट होके आए हैं? नहीं नहीं, हम तो कन्वर्ट हुआ मतलब वी आर क्रिश्चियंस फ्रॉम द बिगिनिंग, ओके, वी आर क्रिश्चियंस, बट दिस इज आवर डिमांड इज religion does not bring any change in socio economical status of a human being, so our dalit brothers, sc brothers, those who are in hindu, they become christians, then they get deprived of this sc status। aap kaun se community se aate hain? sc st general obc sc community se। acha, aur aap father hain? main father hu। और आप लोगों को क्या रिजर्वेशन चाहिए कि 50% आरक्षण मिलना चाहिए, किस क्षेत्र में? नहीं नहीं, हमको जो रिजर्वेशन एससी लोग को दिया जाता है, हमको भी वहाँ पे, हम भी डिमांड करते कि हमको दिए हो, उससे मिला हो। जो हिंदुओं में मिलता है वही आप लोगों को भी चाहिए? हाँ, हमको भी चाहिए। आप लोगों को मिला नहीं है रिजर्वेशन? नहीं, रिजर्वेशन नहीं मिला, इसीलिए तो हम यहाँ पे हैं। कुछ भी मतलब जो क्रिश्चियन में जो एससी एसटी उनको रिजर्वेशन नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप लोगों को मतलब आप फादर है और आप लोगों को रिजर्वेशन चाहिए? मेरे तो ये लोग ये जो बोल रहे थे कि हिंदुओं से कन्वर्ट होके जो मुस्लिम और नमस्कार, मैं जॉन चंद्रन कर्नाटका बैंगलोर से आया हूँ। ये जो प्रोटेस्ट अभी जो कर रहे हैं ये क्रिश्चियन और जो मुस्लिम्स और बाकी जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो आदमी है जिनको कंसिडर ही नहीं किया वो शेड्यूल कास्ट बोल के, बिकॉज वी आर अ रिलीजन विच इज़ नॉट हिंदुइज्म, वी आर क्रिश्चियंस, वी आर माइनॉरिटीज, सो द गवर्नमेंट हैज विथहोल्ड हैज and stopped us from not giving our social status of scheduled caste. We are all scheduled caste, that is our caste. Religion can be anything else, जो religion है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो caste है ना वो scheduled caste है। तो हम लोग को ये स्टॉप किया, तुम शेड्यूल कास्ट नहीं है, तुम क्रिश्चियन को कन्वर्ट हो गया इसलिए तुम शेड्यूल कास्ट नहीं है, तुम मुस्लिम को कन्वर्ट हो गया इसलिए तुम शेड्यूल कास्ट नहीं है बोल के, हम लोग को जो फैसिलिटीज़ नहीं है, हम लोग को जो हक
शेड्यूल कास्ट का मिलने वाला है उसी को रद्द किया, उसी को स्टॉप किया। इसीलिए हम लोग ये एक्चुअली गवर्नमेंट, सभी गवर्नमेंट को पूछा, कोई भी गवर्नमेंट हम लोग को ये बिल पास नहीं कर रहा है, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस डाला है। वी आर फाइटिंग फॉर इट, बट इवन देन वी आर टेकिंग द जस्टिस इज गेटिंग डिलेड। जस्टिस इज हैपनिंग बट इट इज गेटिंग डिलेड। सो वी हैव कम आउट फॉर एवरीवन टू नो व्हाई वी हैव कम आउट, बिकॉज इफ यू आर स्टेइंग इंडोर्स वी डोंट नो, नोबडी नोस। इवन शेड्यूल कब से आप लोग धरने, इससे पहले भी कभी धरने पे आए थे? हम लोग बहुत कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट वी वांट रेस्पेक्ट टू गवर्नमेंट्स टू सी दैट वी आल्सो हैव अ डिमांड। हम लोग भी इंसान है, हमको रिजर्वेशन का जरूरत नहीं है, हमको शेड्यूल कास्ट है। जो शेड्यूल कास्ट हूँ उसी का फैसिलिटी में पूछ रहे, फैसिलिटी भी नहीं है, मेरे को शेड्यूल कास्ट बुला रहा है, मेरे को शेड्यूल कास्ट का ही मेरे को बेनिफिट्स दो। आप लोगों को क्या बोल रही है गवर्नमेंट कि आप लोग दूसरे का धर्म के इसलिए आपको नहीं मिलेगा? मेरा धर्म बदली हो गया, कोई अनेक कारण से हो सकता है, वो तो 4 जनरेशन का पहले 5 जनरेशन का पहले हुआ, वो किसके लिए हुआ वो हम उसको मैंने मालूम, लेकिन हम क्या है, जीसस क्राइस्ट को फॉलो करता, हर एक एक आदमी एक एक रिलीजन को फॉलो करता, लेकिन मेरा जो कैस्ट है वो सेम रहता, मैं शेड्यूल कैस्ट है, मैं शेड्यूल कैस्ट ही रहेगा, मेरे को दूसरा कुछ नहीं बनाओ, यही तो गवर्नमेंट से हम लोग मांगी है। आप कुछ बोल रहे हैं? मैं बोल रहा था आप कन्वर्शन के बात बोल रहे थे, कन्वर्शन जो चीज़ है ये मेरे जनरेशन में नहीं हुआ, मे बी इट वॉज बिफोर 400, 200, 300 ईयर से शुरू है। जो मैं क्रिश्चियन हूँ, हमारा संविधान जो आप हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो रिजर्वेशन देता है वो नॉट बेस्ड ऑन रिलीजियन, इट इज़ बेस्ड ऑन द सोशियो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल एंड जियोलॉजिकल जोन्स। उस हिसाब से आर्टिकल 25 जो है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजियन देता है, एंड एट द सेम टाइम मेरा फंडामेंटल आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन जो है 2 फंडामेंटल्स देता है, एक फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। सो फ्रीडम ऑफ रिलीजियन हर आदमी को है इंडिया में, तो दलित क्यों मुस्लिम नहीं ले सकता है, दलित क्यों क्रिश्चियनिटी नहीं ले सकता है, दलित क्यों बुद्धिज्म नहीं ले सकता है, दलित को एक रेस्ट्रिक्शंस क्यों है, दलित के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस है वो किस लिए लगा रखा है? जब भी एससी एसटी ओबीसी एससी एसटी और माइनॉरिटी जब आता है तो माइनॉरिटी में जो भी अल्पसंख्यक है यानी कि जो क्रिश्चियन है मुस्लिम है वो सारे आ जाते हैं, उनको तो हक मिल रहा है अल्पसंख्यक? नहीं मिल रहा है, आपको यही तो बोलना चाह रहे हैं हम, जो भी बंदा दलित है, अगर हिंदू समाज में एक दलित है वो क्रिश्चियन अडॉप्ट रेंज कन्वर्ट कर लिया तो उसका एससी स्टेटस निकाल दिया जाएगा और वो कहलाएगा बीसीसी। सो ये दिक्कत ये है, क्यों दलितों के ऊपर ये पाबंदी क्यों? अगर वही अपर कैस्ट जो बंदा हिंदू है अगर वो क्रिश्चियनिटी ले रहा है तो उसका बीसी निकाल के एफसी डाल दे रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री तो बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, हम सबको एक समान कहां दे रहा है सबका साथ? आप देखो ये जो 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर क्लियरली बोलता है जो भी दलित क्रिश्चियनिटी या मुस्लिम कन्वर्ट हुआ तो उसका दलित शेड्यूल्ड कास्ट जो स्टेटस है वो निकाल दिया जाएगा। क्यों ये रेस्ट्रिक्शंस जो है स्पेशली दलितों को क्यों? पूरा इंडिया फ्रीडम है, अगर आज़ाद भारत में ये दलित आज़ादी से उसका मजहब चेंज करना चाहता है तो दिक्कत क्यों आ रहा है? यही दिक्कत में 1956 में बुद्धिस्ट को मिल चुका है, सिक्स को मिल चुका है, एंड 1980s में बुद्धिस्ट को भी मिल चुका है। अब तो सब बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अब तो और खतरे में आ गए। हिंदू राष्ट्र आप बोलो, आप एक नागरिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन राइट देता है, जब मैं राइट जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन राइट है जब मैं कन्वर्ट हूँ तो मेरा राइट वैलिड नहीं हो रहा है बिकॉज मेरा एससी सर्टिफिकेट जाके बीसीसी में कन्वर्ट हो रहा है। एक तरफ आर्टिकल जो भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन बोल रहा है उसी को इनवैलिड कर दे रहा है या 1950 एक्ट, तो इधर आप फंडामेंटल राइट को निकाल दीजिए प्रियम्बुल से, वही और सेइंग ए सेक्युलर कंट्री, ये नागरिक मैं इंडियन नागरिक हूँ, अगर मुझे फ्रीडम नहीं है तो वो आर्टिकल चेंज करो, नहीं तो ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 50 का चेंज करो। सब तो बोल रहे हैं कि हिंदू राज से देश चलेगा। हिंदू राज हाँ
हिंदू राष्ट्र से देश चलेगा, हिंदू राष्ट्र देश बनेगा। वही तो पूछ रहा हूँ मैडम, हिंदू राष्ट्र आप जो बोल रहे हैं, आम आदमी को फ्रीडम ऑफ रिलीजन का एक्सप्रेशन है या नहीं है ये बोलो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मुझे हक देता है, मेरी मर्जी से कोसा भी मजहब मैं ले लूं। संविधान से देश चल रहा है, संविधान से देश चल पड़ेगा। अगर संविधान के हिसाब से कुछ भी नहीं चलेगा तो इट इज गोइंग टू बी ए डिक्टेटरशिप, ये कहलाएगा हिटलर फौजी। फिर से आ जाएगा एक रिवॉल्यूशन आना चाहिए अगर संविधान से पार्टीज नहीं चले। आपको लग रहा है संविधान से देश चल रहा है? अब आप ही बोलना चाहिए, मीडिया वाले कितना चल रहा है हमें तो क्या वजह है, क्या जबकि ओबीसी समाज के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री हर बार कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास कर, सबका साथ सबका विकास ये सभी से पूछिए, मगर दलितों को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, नहीं मिलने वाला भी नहीं। पिछले 70 ईयर से हमारा फाइटिंग चल रहा है, 72 ईयर से अभी तो कुछ हुआ नहीं। हमारे साथ एक फादर है, इनसे बात करेंगे कि फादर आप यहाँ पे क्यों आए हैं? I speak in English. English. So, what is your question? My question is why you are here? Okay. See, we have been demanding SC status for Dalit Christians and Dalit Muslims. See, 1950 presidential order excluded all the people except the Hindus, SC status. Now, this is a religion-based discrimination which is against the constitutions. So, what we are asking is, if you say the Hindu Dalits are having a life sort of conditions which are miserable, the same conditions the other Dalits are also there, the Buddhists and Sikhs and Muslims and Christians. Now Sikhs and Muslims have been given, the Muslims and Christians are denied because they belong to a religion which is from foreign land, that's what they say. What do you want? We want SC status. Okay. Scheduled caste status, which includes the number one, the all the benefits, education and employment. There will be quota in election for parliament. Samvidhan gives you that right, no? Pardon? Samvidhan gives you that right. Yeah. SC. SC status gives us protection from atrocities. One. Quota to stand in the elections for assembly and parliament. Number three, all the welfare benefits in education, employment and other benefits. All these three are denied to the Christians and Muslims. Only Hindus, Sikhs and Buddhists are now having that. What do you think about Hindu Rashtra? Pardon? What do you think about Hindu Rashtra? Hindu Raj? Hindu Rashtra. What do you think about Hindu Rashtra? Hindu Rashtra? Yes. Everyone say, every politician say that. See. Yes. We are in a country which receives, we are in a democratic country. We have a constitution. This is the people's rule. If any government goes against the principles of democracy, goes against constitutions, goes against secularism, goes against freedom of religion, that government should not be there. Now, Hindu Rashtra means bringing back. One is the Sanatana Dharma is caste system which divides people. ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म जो है वो कास्ट को बांट रहा है, मतलब जाति को बांट रहा है, right? Yeah, caste. Second one is subjugation of women. Women will be treated as secondary citizens according to Manu Shastra. और ये कह रहे हैं कि महिलाओं को मनुस्मृति के तहत जो है जानवरों के जैसा व्यवहार किया जाता है, right? And the third one is Brahminism. Brahmins will be at the top. Even now, Brahmins are at the top almost in every place. और ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण्स जो है वो हमेशा टॉप पे रहते हैं और वो लोग जो है अत्याचार करते हैं। It is not about individual Brahmins. Brahminism means it's a social structure that will be dominating.
सो दीज थ्री थिंग्स वी डोंट वॉन्ट। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को ब्राह्मणिज्म नहीं चाहिए, मनुस्मृति नहीं चाहिए, जो महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न होती है वो नहीं चाहिए, ये सारे जो करते हैं वो ब्राह्मण्स करते हैं, सनातन धर्म वाले करते हैं। तो आप लोग वी वॉन्ट ए कंट्री वेयर ऑल मेन एंड वीमन आर इक्वल, नो कास्ट सिस्टम, ऑल द religion, the society will not be divided according to caste. So then Prime Minister, our Prime Minister says that beti bachao, beti padhao, hum mahilao ka samman karte hain. They give respect to women. See, now, if women are considered equal, all men and women are given equal opportunities, and then we have a country where equality is everywhere. But Hindu Rashtra doesn't envisage that. Prime Minister says. Prime Minister may say, but Hindu Rashtra means following Manu. That is one of the things they want to replace constitution. Manu Dharma means whatever is it, Brahminism, caste system, subjugation of women. But Prime Minister says, Prime Minister agree with you. Prime Minister says that I will respect women. Prime Minister says anything, we may say, but it doesn't depend on Prime Minister. There is RSS behind Prime Minister, which is giving the ideology. बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पीछे जो है आरएसएस है और ये देश ब्राह्मणों के द्वारा चलाया जा रहा है। ब्राह्मण चाहते हैं अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो वो देश को मनुस्मृति के द्वारा चलाएंगे और जो जाति प्रथा जो ब्राह्मणों ने मनुस्मृति ने पैदा किया है हिंदू राष्ट्र बनने के बाद फिर से वही हो जाएगा। तो आप लोग इस पूरी खबर पे क्या राय है जो ये